न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। रविवार को भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई, जिसके बाद से ही लोग दहशत में हैं। वहीं सुनामी ने भी न्यूजीलैंड में दस्तक दे दी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भूकंप के झटकों से थर्राया न्यूजीलैंड, पिछले 24 घंटे में 123 भूकंप के झटके। भूकंप ने ली 2 लोगों की जान। भूकंप के बाद अब सुनामी की भी दस्तक। रविवार को न्यूजीलैंड के कई शहर भूकंप के तेज झटकों से दहल गए। दक्षिणी आयरलैंड का सबसे बड़ा शहर क्राइस्टचर्च जलजले से दहशत में है। रविवार को क्राइस्टचर्च शहर से 91 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 7.8 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इस भयानक भूकंप में जहां सड़कें उखड़ गईं, वहीं मकान जमींदोज हो गए हैं। भूकंप में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। वहीं इस भूकंप के साथ ही न्यूजीलैंड में अब सुनामी ने भी दस्तक दे दी है। सुनामी की पहली लहर ने दक्षिण द्वीप के पूर्व उत्तर तट पर दस्तक दी है। उत्तर और दक्षिणी द्वीप के पूर्वी तट पर जल्द ही सुनामी की लहरों के आने की आशंका जताई जा रही है। इससे वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और चाथम द्वीप प्रभावित होंगे। भूकंप और सुनामी ने न्यूजीलैंड की सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। भूकंप के मद्देनजर प्रधानमंत्री जॉन की ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा। आपको बता दें कि इससे पहले कब न्यूजीलैंड दहला है। 2 सितंबर 2016 को उत्तरी आयरलैंड में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई। 14 फरवरी 2016 को क्राइस्टचर्च इलाके में ही 5.7 तीव्रता से भूकंप आया था। 2 फरवरी 2016 में मैक्यूली द्वीप पर 6.6 की तीव्रता से भूकंप आया था। लेकिन न्यूजीलैंड में साल 2011 में आया भूकंप सबसे जानलेवा साबित हुआ था। यहां रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसमें 185 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 733 लोग घायल हुए थे। इस दौरान न्यूजीलैंड में हालात इतने बदतर हो गए थे कि नौबत आपातकाल लगाने तक की आ गई थी। तो रविवार को न्यूजीलैंड में आए भूकंप की तीव्रता 2011 में आए भूकंप से भी तेज थी। हालांकि यहां राहत की खबर ये है कि अभी तक ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रुक रुक कर आ रहे झटके लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।